नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित चौधरी है और मैं डायरेक्टर कार्डिक सर्जरी और कार्डिक साइंसेस हूँ एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में। मैं अब आपके शहर पटना में एशियन सिटी हॉस्पिटल पाटलिपुत्र में सर्जिकल प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हार्ट की जो सर्जरीज हैं या जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में मेरा एक उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को उसके बारे में अवगत कराऊं और एक थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करूं। हम आज हर तरीके की कार्डियक सर्जरीज को बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ कर सकते हैं और लोगों में एक डर जो होता है वो बाईपास सर्जरी को लेकर के, वो एक भ्रांति है और बहुत ज़्यादा आजकल वो कोई अलग सर्जरी नहीं, वो बाकी सर्जरियों जैसी ही होती हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और ओवरऑल लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है वो कहीं बेहतर होता है। तो घबराएं नहीं, किसी को भी अगर कोई समस्या है तो वो टाइम रहते उसको दिखाएं। आप ओपीडी के लिए हर बृहस्पतिवार एशियन सिटी हॉस्पिटल पाटलिपुत्र में आ सकते हैं। मैं वहां पर 11 से लेकर के 3 बजे तक अवेलेबल रहूंगा। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि आज हार्ट सर्जरी या कार्डियक सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जितने भी बाईपास प्रोसीजर होते हैं मोस्टली वो बीटिंग हार्ट पे होते हैं। बाईपास एक मिसनॉमर है, एक तरीके का पुराना शब्द है जो कि आज भी यूज किया जा रहा है, बट वो बाईपास ऐसा कुछ होता नहीं है। मोस्टली सर्जरी जो बीटिंग हार्ट पे होती हैं और हर तरीके की कार्डियक सर्जरी, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हो जो कि ब्लॉकेजेस हील की जाती है, वैल्व रिप्लेस करने की सर्जरीज जो हैं, ये सारी की सारी सर्जरीज आज छोटे इंसिजन से, बहुत छोटे कट से या बटन होल से कह लीजिए, उससे भी की जा सकती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स और आउटकम के साथ, जिनमें कि एक दिन पहले एडमिशन होता है, सर्जरी के बाद दूसरे या तीसरे दिन हम उनको घुमा फिरा देते हैं और फोर्थ डे डिस्चार्ज यानी घर चले जाते हैं मरीज। और रिकवरी बहुत फास्ट होती है, इन्फेक्शन रेट इनमें बहुत कम होता है, साथ ही साथ जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है ये वो बहुत कहीं अच्छी है। जब लोग देखते हैं कि इतने छोटे कट से ये चीज़ें की जा रही हैं जो कि पारंपरिक सर्जरीज में बड़े बड़े कट्स लगते थे, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। साथ साथ इसके बच्चों के लिए स्पेशली मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर कि बच्चों की हार्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आज भी हमारे देश में बहुत कॉमनली पाई जाती हैं और दुर्भाग्यवश ये बच्चे जो हैं वो मेडिकल अटेंशन पर या फिर सही जगह पर जहां उनका इलाज हो सके बहुत लेट आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है या फिर डिटेक्ट हुई है या किसी डॉक्टर ने बताई है या ईगो वगैरह में कहीं से पता चला है तो उसको डिले ना करें, उसको जल्दी से जल्दी आप दिखाएं और टाइमली अगर इनका इलाज किया जाए, इनकी सर्जरी कर दी जाए तो उन बच्चों की ओवरऑल आगे की जो ज़िंदगी है वो बाकी अपने पीयर्स के बराबर होती है, आउटकम बहुत अच्छे होते हैं। बस अंतर वहीं आ जाता है कि अगर आप कितनी जल्दी और कितने टाइम से उसको दिखाते हैं, उसका इलाज करा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे इस हॉस्पिटल में आने से पटना में एशियन सिटी हॉस्पिटल एक बदलाव या एक इम्पैक्ट ला पाएगा। थैंक यू।